हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी इंटेंट। मैं सत्यम दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके बीच में डेली वोकैब का सेशन, डेली डोज आपके बीच में डेली प्रोवाइड होता हूं। मैं आप सबके बीच उपस्थित होता हूं सुबह 8 बजे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपके बीच में इससे पहले भी जो बीते रूट्स को लेकर हाजिर था, आज देखिए वन वर्ड को लेकर हाजिर हूँ। किस प्रकार देखिएगा, सारे एक ही शब्द से रिलेटेड, जैसे होता है ना, पहले मैं रूट वर्ड बनवाना सिखाता था आपको, मैंने डेली बताया कि सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ आपके कैब सेशन से यहाँ पे अपने आप को अपडेट पाएंगे आप। ध्यान से, इससे पहले रूट वर्ड्स था, फिर आपके एक ही ट्रिकी वोकैब होने वाले थे, फिर आज देखते हैं वन वर्ड के सेशन को ले चलेंगे। यानी कहीं ना कहीं शब्दों से हम डेली अपडेट होते रहेंगे। वोकैब बताया, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप सबके लिए होने वाला है। तो ध्यान से जल्द जुड़ जाइए और सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं आज हम आप सबके लिए कौन से शब्द लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड होने वाला है। एक एक टॉपिक से मैंने रिलेट करके, एक एक टॉपिक को अलग अलग करके आप सबके लिए वन वर्ड्स तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं आप सबके बीच में क्या उपस्थित करना चाहता हूँ। तो जल्द से जल्द इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आप सबके बीच अपनी हिंदी की किताब आ चुकी है, जो कि मात्र 299 रुपये में। दोस्तों, ये कम से कम 500 पेजेस की बुक है। आप अगर इसको ट्रू कॉपी कराते हैं ना, तो आपको लगता है 400 या 450 तो उसमें ट्रू कॉपी में लग जाएगा। तो आपको मात्र देखिए 299 रुपये में ये बुक प्रोवाइड की जा रही है। सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी, देखिए कितना प्यारा नाम। इसके स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें 5000 से ज्यादा, मतलब 5000 एबव आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप 7005277 3452 5 पर कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए आज का शानदार सेशन स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण शब्दों के साथ। तो चलिए वन वर्ड का सेशन आप सबके बीच में आ गया है दोस्तों, और इसको जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा मोटा कर लेते हैं। और इस सेशन में क्या दिखा रहा है, ध्यान से देखिएगा। वन वर्ड का आज सेशन चलने वाला है आपके बीच में। देखिए ये शब्द हाजिर है, देखिए एक कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने देखा तो कायरोप्रैक्टर है, यहाँ पे दिखा है तो कायरोपोडिस्ट दिखा है। मतलब ऐसे कहने का मतलब, आज जो भी हम आपके बीच में वन वर्ड लेकर हाजिर हुए हैं, ये सब डिसीज से संबंधित होने वाले हैं। तो जो भी शब्द है, चलिए उसको जरा ध्यान से देखेंगे कि वन वर्ड में एक शब्द में उसका जवाब किस प्रकार हम देंगे दोस्तों। तो देखिए आप सबके बीच जो पहला शब्द है वो कार्डियोलॉजिस्ट है। क्या दोस्तों? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहेंगे? सबसे पहले मैंने बोला कि IST, क्या बोला था? पहले मैंने आपको सिखाया था, जो IST होता है, ये रूट होता है स्पेशलिस्ट का। किसका होता है? स्पेशलिस्ट का होता है। यानी कहने का मतलब, निपुण होगा, IST लगा तो मतलब उस डिसीज में वो निपुण रहेगा, उस डिसीज के निवारक का वो निपुण होने वाला है। तो पहला शब्द आप सबके बीच में जोड़ दिया गया है दोस्तों, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोला है? कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? अ स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीज। स्पेशलिस्ट होता है जो हार्ट के डिसीज में, किसमें? हार्ट के, मतलब दिल संबंधित बीमारियों से, यानी दिल रोग विशेषज्ञ को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। यानी वन वर्ड में आपका जवाब क्या होने वाला है? A specialist in heart disease, मतलब दिल संबंधित बीमारी विशेषज्ञ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहला शब्द आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि वन वर्ड में। दूसरा आपके सामने आया, कायरोप्रैक्टर हम किसे कहते हैं दोस्तों? स्पेशल की बात हम करेंगे, IST आपको दिख गया, यानी ये जो संबंधित आपको दिखेगा यहाँ पे, कायरोप्रैक्टर या कायरोप्रैक्टिस्ट दिखता है, तो उसके सेंस में हम क्या करेंगे? यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ की हम बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं। अब इस सेंस में अगर हम बात करने आ रहे हैं दोस्तों, तो क्या देगा जरा ध्यान से हम समझते हैं। वुमेन, जो हमारा बोन होगा, बोन के डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। बोन डिस्प्लेसमेंट मतलब स्पेशलिस्ट इन बोन डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? स्पेशलिस्ट इन बोन डिस्प्लेसमेंट। कहने का सेंस क्या है दोस्तों? बोन के डिस्प्लेसमेंट का मतलब हड्डी रोग के विशेषज्ञ को हम क्या कहेंगे दोस्तों? हड्डी रोग के विशेषज्ञ को हम कहेंगे कायरोप्रैक्टर कहेंगे, ठीक है ना। अगला जो शब्द आपके बीच में जोड़ा गया है वो क्या दिया है? कायरोपोडिस्ट दिया है। कायरोपोडिस्ट कहने का मतलब क्या होगा? ये फीट के संबंधित, मतलब पैर, मतलब आप बोलते हैं ना, पैर के रोग से संबंधित होगा। पैर रोग मतलब आपके पैर, फीट से संबंधित जो विशेषज्ञ होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि यार मैं कायरोपोडिस्ट को दिखाने गया था। यानी कहीं ना कहीं मैं पैर
से परेशान हूं, यानी अ स्पेशलिस्ट इन फिट डिसीज। क्या होगा? पैर से संबंधित जो भी हमारे विशेषज्ञ होंगे उनके लिए होगा, यानी अ स्पेशलिस्ट इन, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे हमारे साथ अ स्पेशलिस्ट इन फिट डिसीज, ठीक है ना। पैर से संबंधित हम स्पेशलिस्ट को क्या बोलेंगे? कायरोपोडिस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये तीन शब्द आप जरा ध्यान से देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चलते हैं अगले शब्दों के बीच में, देखते हैं क्या आप सबके बीच में जोड़ा गया है। देखिए अगला जो शब्द आपका है वो डेंटिस्ट है। क्या है? बोलते यार डेंटिस्ट मतलब डॉक्टर के यहाँ गए थे, कौन से अवसर? डेंटिस्ट में गए थे। डेंटिस्ट कहने का मतलब क्या होगा? IST का सेंस आपको दोस्तों मिलने वाला है कि स्पेशलिस्ट की बात करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा किस प्रकार सीखते हैं। IST हो गया यानी स्पेशलिस्ट की, तो सीधा हम बात कर देते हैं स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट। अब किस प्रकार का? डेंटिस्ट मतलब दंत रोग विशेषज्ञ की हम बात करेंगे, स्पेशलिस्ट ऑफ टीथ डिसीज, यानी वन वर्ड। इसका क्या होगा? अगर क्वेश्चन सीधा पूछा स्पेशलिस्ट ऑफ टीथ डिसीज, दंत रोग विशेषज्ञ को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम कहते हैं उसको डेंटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट को हम क्या बोलेंगे? अब देखिए आपके सामने है, डर्मेटोलॉजिस्ट को हम क्या बोलेंगे? आपको पता है त्वचा रोग मतलब स्किन से संबंधित जो विशेषज्ञ होता है। सबसे पहले IST का सेंस हम लिख लेते हैं, स्पेशलिस्ट क्या होगा? स्पेशलिस्ट इन स्किन डिसीज। क्या होता है? स्किन डिसीज यानी त्वचा रोग से संबंधित जो हमारा स्पेशलिस्ट होगा उसको हम क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। अगला जो शब्द आपके लिए है वो क्या है? जेरेंटोलॉजिस्ट। क्या है? जेरेंटोलॉजिस्ट। दोस्तों देखिए IST आपका जो रूट है वो आप पहले लिख लेंगे, स्पेशलिस्ट क्या होगा? वो किस स्पेशलिस्ट की बात बोल रहा है जरा ध्यान से देखेंगे, जेरेंटोलॉजिस्ट की बात कर रहा है, मतलब जेरेंटो सेंस क्या देगा? ओल्ड एज, स्पेशलिस्ट इन ओल्ड एज डिसीज, ओल्ड एज डिसीज। जरा ध्यान से देखिएगा, सारे वन वर्ड लिखेंगे। जैसे कोई पूछा स्पेशलिस्ट इन ओल्ड एज डिसीज, उसको हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों उसको कहते हैं जेरेंटोलॉजिस्ट, मतलब क्या होता है? वृद्ध अवस्था के जो विशेषज्ञ को हम बोलते हैं, वृद्ध अवस्था में अगर जो विशेषज्ञ काम करते हैं डॉक्टर्स की बात करेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? जेरेंटोलॉजिस्ट कहेंगे। दोस्तों जल्द से जल्द इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले शब्दों की तरफ चलते हैं। चले ध्यान से अगला देखते हैं क्या शब्द आप सबके बीच जोड़ा है। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, बहुत दिनों से आपको इंतजार थी SSC GD की, तो स्टडी 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे लक्ष्य बेस्ट टारगेट बेस्ट प्रारंभ कर दिया गया है। कंप्लीट कोर्स आपको मात्र 699 रुपए में मिलने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको 7007734525 पे आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं शब्द आप सबके बीच दोस्तों कौन सा अगला शब्द जोड़ा गया। वन वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो भी है आपको जल्द स्क्रीनशॉट आपको जरूर करना है उसके बारे में। तो चलते हैं आगे, जरा देखते हैं कौन कौन से अलग शब्द जुड़े हैं आपके। देखिए आपको दिखा है गायनेकोलॉजिस्ट, दिखा है न्यूरोलॉजिस्ट, दिखा है ऑब्स्टेट्रिशियन, इसको हम क्या कहते हैं? चलिए ध्यान से देखते हैं इधर भाई, गायनेकोलॉजिस्ट अगर है तो इसको हम क्या कहेंगे? GYN सेंस देता था दोस्तों, मैंने रूट में आपको बताया है, यह सेंस देगा वुमेन का। किसका सेंस देगा? वुमेन का देगा, ठीक है ना। अब IST क्या सेंस दिया? वो सीधा आपको लिखना है स्पेशलिस्ट का सेंस देगा। क्या होगा? यानी स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट अब किसमें है? GYN सेंस क्या दे रहा है? वुमेन दे रहा है, यानी स्पेशलिस्ट इन वुमेन डिसीज। क्या? वुमेन डिसीज यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ को हम क्या कहेंगे दोस्तों? बिल्कुल गायनेकोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक है। अगला शब्द आपके बीच में है न्यूरोलॉजिस्ट। क्या है? न्यूरोलॉजिस्ट हम किसे कहते हैं? जरा ध्यान से देखेंगे, आपको रूट बिल्कुल क्लियर है। IST का आपका जो सेंस होगा आप सीधा स्पेशलिस्ट लिख लेंगे। देखिए एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा? डायरेक्ट ये पूछ सकता है स्पेशलिस्ट इन वुमेन डिसीज, उसको हम क्या कहेंगे? गायनेकोलॉजिस्ट। आपका ये देखिए शब्द बिल्कुल आपके वन वर्ड में, यानी जो भी लिखा होगा एक शब्द में उसको हम क्या कहेंगे? वो आपके बीच हाजिर है, ठीक है ना। अब ये न्यूरोलॉजिस्ट बोलता है, न्यूरोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? स्पेशलिस्ट इन नर्व सिस्टम। क्या होता है? नर्व सिस्टम,
यानी नर्व सिस्टम डिसीज यानी तंत्रिका तंत्र रोग विशेषज्ञ को हम क्या कहेंगे दोस्तों, न्यूरोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक है ना। यानी वो हमारा रूट क्या बनेगा, हमारा वन वर्ड क्या बनेगा, अ स्पेशलिस्ट इन नर्व सिस्टम डिसीज, उसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले देखते हैं, अगला कौन सा शब्द है, अगला शब्द है आपका ऑब्स्टेट्रिशियन। इसको हम क्या कहते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, इसके दो सेंस में, एक दाई के सेंस में होता है, नर्स की हम जो बातें करते हैं, दूसरा सीधा सीधा वन वर्ड में अगर पूछता है तो किस प्रकार आपको बताना है, यानी अ स्पेशलिस्ट इन वुमेन डिसीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के समय की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्स्टेट्रिशियन जो उसमें नर्स काम करती है वहां की दाई होती है सेंस में, यानी यहां पे भी लिख सकते हैं हम सीधा रूट वर्ड में किस प्रकार से सेंटेंस बना के आपसे पूछा है उसका जवाब आपको ऑब्स्टेट्रिशियन देना है। किस प्रकार होगा, जैसे होगा अ स्पेशलिस्ट इन वुमेन डिसीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो ध्यान से इसका आपका क्या रूट होने वाला है, स्पेशलिस्ट इन वुमेन डिसीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका जवाब आप क्या कहेंगे, ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द इसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं दोस्तों, फिर अगले शब्दों की ओर चलते हैं। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसको। चले चलते हैं, देखते हैं अगला शब्द आप सबके लिए क्या जोड़ा गया है दोस्तों, बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले देखिएगा, तीन शब्द आप सबके बीच फिर से आ गए हैं, क्या इनके सेंटेंस होने वाले हैं और इनके वन वर्ड में हम इनको क्या कहते हैं। जैसे वन वर्ड आप सबके बीच में लिख दिया गया है कि आप थेल्मोलॉजिस्ट किसे कहेंगे, यूरोलॉजिस्ट किसे कहते हैं और गैस्ट्रोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, ठीक है ना। इनके सेंटेंस पूछेगा और उनको वन वर्ड में कहेंगे क्या, तो वो आप जानिए, जरा ध्यान से देखेंगे। आई एस टी आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट के शो कर रहा है, स्पेशलिस्ट के लिए शो कर रहा है, तो किस प्रकार से होगा जरा ध्यान से देखिएगा। इसको आप सीधा लिख सकते हैं अ स्पेशलिस्ट, क्या स्पेशलिस्ट। अब किस रोग का वो विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है, जरा ध्यान से देखेंगे। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ को कहते हैं, यानी अ स्पेशलिस्ट इन आई डिसीज, क्या होगा, इन आई डिसीज, ठीक है दोस्तों। किसको कहेंगे, अ स्पेशलिस्ट इन आई डिसीज अगर आपसे पूछ लिया तो वन वर्ड एक शब्द में आप क्या कहेंगे, सर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, क्या कहेंगे, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। अगला चलते हैं यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को एक शब्द में क्या सेंटेंस आने वाला है आपको और वन वर्ड में यूरोलॉजिस्ट किसे कहेंगे, तो आई एस टी का सेंस आपको क्या दे रहा है दोस्तों, बिल्कुल स्पेशलिस्ट दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं विशेषज्ञ की बात है। आई स्पेशलिस्ट इन सी है, जरा ध्यान से देखेंगे, स्पेशलिस्ट इन, अब किसमें बोला है, यूरोलॉजिस्ट, कहीं ना कहीं क्या होता है, मूत्र रोग विशेषज्ञ, यानी अ स्पेशलिस्ट इन यूरिन डिसीज, क्या होता है, यूरिन डिसीज, इसको हम क्या कहते हैं, यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। अगर पूछा अ स्पेशलिस्ट इन यूरिन डिसीज, हम इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, सर यूरोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले शब्द में, अगला आपका क्या है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट है। अब गैस्ट्रोलॉजिस्ट किसे कहेंगे दोस्तों, जरा ध्यान से देखेंगे वो क्या होने वाला है। गैस्ट्रोलॉजिस्ट आई एस टी आपका सीधा सीधा रूट कह रहा है कि आई एस टी का सेंस देगा अ स्पेशलिस्ट, क्या देगा दोस्तों, स्पेशलिस्ट। अब किस फील्ड में है, किस फील्ड में विशेषज्ञ है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, यानी अ स्पेशलिस्ट इन लिवर डिसीज, क्या होगा, लिवर डिसीज, जरा ध्यान से देंगे दोस्तों, लिवर डिसीज, यानी अ स्पेशलिस्ट इन लिवर डिसीज, उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आप सबके बीच में अगला कौन सा शब्द जोड़ा गया है। जल्द से जल्द इनको स्क्रीनशॉट करेंगे। चलिए हो गया होगा, फिर आगे चलते हैं। देखिए इससे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि आप सबके बीच हिंदी व्याकरण की इंडिविजुअल बैच लॉन्च हो चुकी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपनी हिंदी को बेहतर बनाने के लिए, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें 3130 से अधिक आपको वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, 3000 से अधिक आपको क्या मिल रहा है, क्विज प्रैक्टिस होगा, सबसे बड़ी बात आपकी ऑफलाइन डाउनलोड होगा, यानी जब आप नितिन सर के साथ पढ़ रहे होंगे तो फ्लाइट मोड लगा के पढ़ सकते हैं, मतलब कोई आपको डिस्टर्ब ही नहीं
नहीं कर सकता उस समय, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना है 7007734525 पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अगला आपका क्या शब्द है आपके स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखेंगे। अगला जो शब्द है वो क्या है, ऑर्थोडोनिस्ट है, उसके बाद है ऑर्थोपेडिस्ट है, फिर आपका ओटोलॉजिस्ट है, ठीक है ना। ऑर्थोडोनिस्ट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सेम IST का सेंस यहां भी दे दिया, ठीक है ना। IST का अगर सेंस दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, अस्पेशलिस्ट ही होगा, क्या होगा, आई स्पेशलिस्ट होगा। अब किस फील्ड में है, एक विशेषज्ञ है अगर ऑर्थोडोनिस्ट की बात करेगा। यहां दूसरा सेंटेंस सेम दिया आपको, ऑर्थोपेडिस्ट दिया है, फिर आपको ओटोलॉजिस्ट दिया है ना। तो ऑर्थोडोनिस्ट अगर दिया है तो आपको समझना है टीथ की बात करेगा, आई स्पेशलिस्ट इन, ध्यान से देखिएगा, टीथ गम्स एंड जा डिसीज, यानी कहीं ना कहीं दांत जबड़ा, दांत और जबड़ा रोग के विशेषज्ञ को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोडोनिस्ट कहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट, अब इसको क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं ऑर्थोपेडिस्ट सेंस देता है आपका हड्डी रोग के विशेषज्ञ की जानकारी, किसके, हड्डी रोग के विशेषज्ञ के लिए बोलते हैं, यानी स्पेशलिस्ट। IST देखिए आपका रूट देने वाला है, स्पेशलिस्ट क्या होगा, स्पेशलिस्ट इन बोन डिसीज प्रॉब्लम, बोन डिसीज प्रॉब्लम। अगर ये आपसे सेंटेंस पूछता है तो इसका एक शब्द में जवाब क्या होगा, ऑर्थोपेडिस्ट होगा, क्या होगा दोस्तों, ऑर्थोपोडिस्ट होगा, पेडिस्ट, ठीक है ना, पोडिस्ट नहीं, ध्यान से देखिएगा, पोडिस्ट में सेंस में चेंज हो जाता है, वो फीट के लिए हो जाता है, पैर के लिए। ऑर्थोपेडिस्ट का सेंस क्या देगा, स्पेशलिस्ट इन बोन डिसीज प्रॉब्लम, ठीक है ना, हड्डी रोग विशेषज्ञ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। ओटोलॉजिस्ट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, रूट ऑलरेडी आपका क्लियर है, कहीं ना कहीं विशेषज्ञ की बात कर रहा है, तो बात करेंगे आई स्पेशलिस्ट इन, अब किस रोग के विशेषज्ञ को हम ओटोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ईयर नोज एंड थ्रोट डिसीज। देखिए इसको ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख भी लीजिए, यानी अ स्पेशलिस्ट इन ईयर नोज एंड थ्रोट डिसीज, मतलब बात करेंगे कान नाक और गला से संबंधित रोग के विशेषज्ञ को हम क्या कहते हैं, ऑटोलॉजिस्ट कहते हैं। दोस्तों जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं अगला शब्द, आप सबके लिए क्या जोड़ा गया है उससे पहले जरा ध्यान से देखिएगा, लिखा है पेडियाट्रिशियन, तीन आपके शब्द हैं, जल्द से जल्द ध्यान दीजिएगा, तीनों शब्द में आपका क्या है, पहला है पेडियाट्रिशियन, दूसरा पैथोलॉजिस्ट है, और तीसरा क्या है, पोडियाट्रिस्ट है, ठीक है ना। तीनों शब्द आप सबके बीच में है, तो जल्द से जल्द इनका इनको आप जरा ध्यान से देखेंगे, जल्द से जल्द। सबसे पहला क्या है, पेडियाट्रिशियन, पेडिया सेंस देता है एक बेबी का देता है, किसका देता है, बेबी का देता है, यानी स्पेशलिस्ट, ध्यान से देखेंगे, स्पेशलिस्ट इन बेबी डिसीज, यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ को हम क्या कहेंगे, पेडियाट्रिशियन कहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगला जो शब्द आपका है, पैथोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजी बोलते हैं ना, पैथोलॉजी में जाके जांच करा दो, यानी जो हमारे यहाँ पे नेचर में जितने भी रोग हैं उनको डिटेक्ट करना, पहचानने का, यानी स्पेशलिस्ट इन डिटेक्टिंग द नेचर ऑफ डिसीज, यानी इसे क्या कहेंगे, एक शब्द में कौन से सेंटेंस आएंगे, कौन से सेंटेंस का एक शब्द में आपको जवाब देना है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं सीधा बोला जैसे स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट इन डिटेक्टिंग द नेचर ऑफ डिसीज, नेचर ऑफ डिसीज मतलब किस प्रकार के रोग की बात करेगा, ठीक है, डिसीज, नेचर ऑफ डिसीज को डिटेक्ट करना, उसको पहचानने के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या कहेंगे, पैथोलॉजिस्ट कहेंगे, यानी पैथोलॉजी सेंस में जो पैथोलॉजिस्ट बैठे होते हैं वही बताते हैं, रोग के जांच के विशेषज्ञ होते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं, जहां पे होता है उसको पैथोलॉजी बोलते हैं, उस सेंटर को बोलते हैं, ठीक है ना। अगला जो शब्द आपका है दोस्तों, ये देखिए पोडियाट्रिस्ट है, पोडियाट्रिस्ट क्या सेंस देता है भाई, स्पेशलिस्ट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फीट से संबंधित होता है, किससे होता है, ये स्पेशलिस्ट ही होगा लेकिन फीट डिसीज से होगा, स्पेशलिस्ट
आई स्पेशलिस्ट इन फीट डिसीज, यानी कहीं ना कहीं सेंस देगा, ये भी पैर के रोग से संबंधित विशेषज्ञ को हम बोलते हैं, ठीक है ना। जरा ध्यान से, ये आपसे ऐसे शब्द एग्जाम में पूछेंगे और इनके लिए एक शब्द क्या होगा उसमें आपको जवाब देना होगा। सेंस शब्द देता है कायरोपोडिस्ट का, यही पोडियाट्रिस्ट की बात करते हैं तो ये भी कायरोपोडिस्ट का सेम सेंस देता है। कौन सा? पोडियाट्रिस्ट अगर सेंस देता है तो सेम, अगर कायरोपोडिस्ट है और ये शब्द आपका है तो दोनों कहीं ना कहीं सेम सेंस देते हैं। स्पेशलिस्ट इन फिट डिसीज, पैर से संबंधित रोग के विशेषज्ञ को हम बोलते हैं। चले देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दी, जो भी यूसीसी नेट के पेपर फर्स्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टडी 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे मात्र 999 रुपए में कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। तो जल्द से जल्द महा बचत ऑफर, इसको आप जल्द से जल्द परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाके स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और इस नंबर पर आप कॉल कर लेंगे। पीछे जो भी नंबर मैंने बताया था जो उसमें मिला होगा, तो उस नंबर पे आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और इसके बाद सबसे बड़ी बात फिर से मैं बताना चाहता हूँ, अपनी हिंदी आप सबके बीच में आ चुकी है, मात्र 299 रुपए में फ्री होम डिलीवरी है, घर बैठे आप कॉल करके इसको मंगा सकते हैं उस नंबर पे 7007734525 पे। तो ध्यान से देखिएगा, अपनी हिंदी के स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसमें 5000 से अधिक यानी 5000 एबव आपके क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो जल्द से जल्द किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी हिंदी आप बिल्कुल मंगवा सकते हैं। अपनी हिंदी को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप अपनी हिंदी जरूर पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन यहीं खत्म होता है। फिर चलते हैं अगले, जो भी अगला सेशन होगा उसमें वोकैब के अगले पार्ट को लेकर आप सबके बीच में हाजिर होंगे दोस्तों। तब के लिए धन्यवाद, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।